नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो का यहीं पे एंड किया था, हम लोग घाट पे जा रहे थे, उसके बाद की एक क्लिप है। तो अभी देखिए हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं, सभी लोग आ गए हैं और शाम का जब मतलब समय होता है ना तो सवेरे ही हो जाता है। देखिए घाट पर उतनी भीड़ नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि ये घाट हर साल यहीं पर मतलब अर्घ देने के लिए आते हैं, तो इस घाट को बनाया जा रहा था। एक तरफ से आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई है, बाकी तीन तरफ से खाली है। जल्दीबाजी में मतलब एक ही तरफ से बना, पूरा नहीं बन पाया है। और तीनों तरफ से जो घाट है ना वो मतलब दौरा रखने के लायक नहीं बन पाया, तो बहुत सारे लोग जो हैं बाहर भी चले गए थे, बाहर बाहर मतलब रख देने के लिए नदी तालाब में। लेकिन यहाँ जो आसपास के कुछ लोग हैं वो आए हैं और एक ही तरफ सिर्फ बना हुआ है, इसलिए एक तरफ ही छठ पूजा का जो अर्घ है वो सब दे रहे हैं। तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम लोगों ने उम्मीद की थी कि बहुत भीड़ है इसलिए दौरा पहले आ गया था, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है। यहाँ पे देखिए ईंटा रखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी छोटी वाली भाभी सूर्य मिला अर्घ दे रही है, और सभी अभी तो मतलब जल सूप पे अर्घ देते हैं, जल का सुबह में दूध का दिया जाता है। तो देखिए छठ का पहला जो सांझ का अर्घ था वो हो गया है, और यहाँ पे अब उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी यहाँ पे हवन करेंगे छोटा सा। तो बस ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो हमारा छोटा सा प्यारा सा घाट है गांव वालों के लिए, ये मतलब नज़दीक पड़ता है तो यहाँ पे सब चले आते हैं। वैसे सब गाड़ी रिजर्व करके बाहर बाहर भी जाते हैं अर्घ देने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ यहीं पर हमेशा आ रहे हैं, हर साल इसी घाट पर आते हैं। ये नहर था पहले, अब तो मतलब घर बन गया तो सब भरा गया है, लेकिन ये नहर था, इसमें पहले ये नहर जो है पुनपुन नदी में जाके मिलती थी। तो अब तो देखिए चारों तरफ घर ही घर बन गए हैं, गांव से सब शहर में तब्दील होते जा रहा है ये सब। तो बस ये छोटा सा नहर है तो इसी में पानी भर के अच्छे से पूजा पाठ के लिए मतलब घाट बना दिया जाता है। सब मतलब गांव के ही लोग मिलके ये सब करते हैं। हर बार कच्चा रहता था, सीढ़ी जैसा बना दिया जाता था, इस पर ईंट से बना दिया गया है, पक्का कर दिया गया है सीढ़ियों को, तो अच्छा लग रहा था। अर्घ हो गया है अब, तो देखिए सब लोग अब ये घाट से निकलने लगे हैं। पहले दौड़ा ही आगे आगे जाता है, चाहे आते वक्त हो या जाते वक्त, फिर हम सब पीछे पीछे चल रहे हैं घर के लिए। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, उससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो झट से आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। फिलहाल मेरी अंजनी भाभी मेरे साथ है और लोग आगे चले गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए बैठ के पी रहे हैं ठंडा, और बच्चों के साथ हम सूर्य मेला पूजा पाठ में लग गए घर के देवी देवता पूजने में, और अभी हम लोग ठंडा पी रहे थे, उसके बाद छत पे आए हैं, थोड़ा देर छत पे हम लोग बैठे हैं और यहाँ भी पूजा हो ही रही है। छठ पूजा मतलब घाट पर से आने के बाद हर जगह पूजा किया जाता है, तो नीचे भी और ऊपर भी हर जगह ये पूजा कर ली है। तो दोस्तों अभी घर में पूजा होने के बाद हम लोग आ गए हैं देवी स्थान, और यहाँ भी सुरमिला सभी देवी माता की पूजा करेगी। हम लोग साथ में आए हैं, मैं वैष्णवी संध्या और वैभव सब साथ में आए हैं। यहाँ पे आप लोग भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। इस बार हमारे गांव में चैती छठ बहुत ही कम हुआ है, तो इसलिए देवी स्थान पूरा एकदम खाली खाली सा लग रहा है, बस एक दो लोग ही पूजा कर रहे थे। और यहाँ हमारे वैभव की मस्ती देख लीजिए, हर जगह ये मस्ती ही करता है। फिलहाल अभी आ गए हम लोग मंदिर पर, या शिव मंदिर है यहाँ, तो वहाँ पे आ गए हैं। पहले भैरव बाबा को पूज के तब आगे बढ़ा जाता है। फिलहाल यहाँ देखिए वैष्णवी और संध्या बैठी हुई हैं, और बस ये शंकर भगवान का मंदिर है, जो कि अब देखिए इस पर पीतल का कवर लगा दिया गया है। ये पीतल का कवर इधर ही लगा है, चार पाँच महीने पहले, उससे पहले नहीं था। और यही वो मंदिर है जहाँ पे मेरे बाबूजी
तब से आ रहे हैं पूजा करने के लिए। जब मतलब हम लोगों ने होश संभाला तब से मैं देखते आ रही हूँ किसी मंदिर में। वो 3 बजे भोर में ही आते थे, पूरा मंदिर को धोते थे, भगवान जी की पूजा करते थे, और जब वो घंटी बजाते थे ना तब उनकी घंटी की आवाज़ से अधिकतर गाँव वाले जागते थे। जब तक मतलब कभी कभी लेट हो जाता था बाबू जी को तो सब सोए रहते थे, उनको लगता था अभी रात ही है। और जब मतलब कभी कभी घड़ी ख़राब होती थी तो लेट भी हो जाता था, लेकिन अधिकतर वो 2:30 से 3 बजे ही मंदिर में पहुँच जाते थे। और मंदिर को धोने में पूजा करने में टाइम लग ही जाता था, 4-5 बज जाते थे जब घंटी बजाते तो अधिकतर गांव वाले जगते थे। पहले यहाँ सिर्फ शिव मंदिर ही हुआ करता था, बाकी जितने भी मूर्ति दिख रहे हैं वो बाद में बने हैं। और अभी हम लोग घर आ गए हैं तो यहाँ पे बुआ फिर से ठेकुआ कांटा लगा रही है और बड़ी भाभी खाना बनाने में बिजी हैं। लैपटॉप चालू है भाई, बंदर इधर है, मेरे सारे बंदर इधर हैं। सबसे बड़ा बंदर ने सबसे बड़ा बंदरिया सब अपना अपना मोबाइले पर व्यस्त है भाई। मेरा फोटो देखो उधर है। तो बस अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ठेकुआ बनाना है, साड़ी पहन के ज़्यादा काम होता नहीं है। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और बुआ ने ठेकुआ का आटा भी लगा दिया है। बस अब उसको पहले गढ़ेंगे बैठ के दोनों मिलके, उसके बाद उसको तलेंगे। तो देखिए अधिकतर ठेकुआ मैंने गढ़ भी लिया और उसके बाद यहाँ पे बैठ गई हूँ तलने के लिए। 2 कढ़ाई चढ़ा रखी है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, फिर भी मतलब टाइम लग गया था। 11 बजे के बाद तक ठेकुआ हम लोग तल रहे थे। आज की रात वैसे भी सोना नहीं होता है, मतलब इसलिए नहीं कि सोना नहीं होता है, इसलिए कि अभी तो ठेकुआ ही बन रहा है, उसके बाद सब्जी वगैरह काटी जाएंगी। भोर में ही खाना बनता है, 2-2:30 बजे से हम लोग मतलब उठ के काम करने लगते हैं। तो बस ठेकुआ बन रहा था और बच्चे अपने अभी ने अपने मतलब कोई मोबाइल में कोई लैपटॉप में लगे हुए हैं तो टाइम का पता नहीं चला। सब लोग जागे हुए थे तो मन लग रहा था ठेकुआ बनाने में भी। और देखिए इतना बनाया है और जितना भी हो सकेगा रात तक बनता है, तो ठेकुआ ही मेन प्रसाद होता है छठ पर्व का ना, तो इसलिए ठेकुआ तो बनाना ज़रूरी होता है, अधिकतर लोग ठेकुआ ही मांगते हैं। तो दोस्तों अभी इस वीडियो का एंड करती हूँ और सुबह का जो अर्घ है वो अगले वीडियो ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।